देश में चीन की हालिया चाल के बाद विरोध बढ़ता ही जा रहा है। इंदौर में तो एक ढाबा संचालक ने चीन का विरोध अपने ही अंदाज में कर डाला। इसके लिए बाकायदा ढाबा संचालक ने एक बैनर अपनी दुकान के बाहर लगाया है, जिसे पढ़कर उसमें छिपी भावना को लेकर सभी ओर से तारीफें मिल रही हैं। इंदौर के मालवा मिल चौराहे पर राजाराम ढाबे के संचालक ने अपने ढाबे के बाहर एक अनूठे तरीके का विरोध स्वरूप बैनर लगाया है। इस बैनर में लिखा है कि विदेशी नस्ल के कुत्ते और चीनी इंसानों का प्रवेश बंद है। जब ढाबा संचालक इस मामले में जानकारी ली गई तो उन्होंने चीन जिस तरह से पूरे विश्व में महामारी लेकर आया है और समूचे विश्व को कोरोना के जाल में फंसा दिया, उससे वो बेहद खफा है। अपने इस अनूठे स्लोगन के कारण ढाबा संचालक का बैनर इंदौर में सुर्खियां बटोर रहा है। इंदौर ब्यूरो के साथ मंथन सेन और दीपक सिंह की रिपोर्ट। आपने आपके ढाबे के बाहर बैनर लगाया, क्या मैसेज देना चाहते हो आप? एक्चुअली सर, ये एक व्यवसाय जिसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, तो ये मैसेज एक देश प्रेम भावना से जुड़ा हुआ है कि और सोशल लाइबिलिटी भी है सर, कि अभी जो भारतीय सेना वहाँ पे चीन के प्रति जो भी कर रही है, अपनी जिम्मेदारी का निभा रही है, तो एक व्यवसाय की भी एक जिम्मेदारी होती है कि समाज को प्रोत्साहित करे, मतलब जागरण फैलाए कि चीनी समाज को हम चीनी जो भी उत्पाद है उसका बहिष्कार करें, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश के हित में जो भी हम कर सकें एक व्यवसाय के नाते वो करें सर। क्या लिखा हुआ है इसमें सर? चीनी प्रवेश, मतलब चीनी नस्ल, यानी चीनी सोच या विदेशी प्रवृत्ति के जो सोच है, जो इस सोच मतलब इसका बस यही कि चीनी सामान का तो हम बिल्कुल उत्पाद नहीं कर रहे हैं, और जो व्यक्ति जो इसको मतलब सही नहीं मानते, जो खुद उसका यूज़ कर रहे हैं, तो उनका भी प्रवेश इनडायरेक्टली वर्जित, मतलब कि मैसेज देना चाहते हैं कि आप यह इस उत्पादों को छोड़ें, और मतलब या फिर मतलब हम उनको पूर्ण तरह से बहिष्कारी करते हैं, जो ऐसा सोचते नहीं। जो के लिए क्या हुआ आपके फौजी के लिए सर? बालाघाट में मतलब एक्चुअली पूरी घटना तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि ओनर का निजी विचार हैं, तो जिसमें भारतीय सेना ने कुछ अभूतपूर्व मतलब प्रदर्शन किया था, तो उसमें तीनों सेनाओं के लिए राजाराम की तरफ से मतलब पार्सल सुविधा या खाना जो भी फ्री किया गया था, और इनडायरेक्टली वो योजना काफ़ी समय तक चलती रही, लेकिन कई फौजी भाई इस मतलब यहाँ पर आए, कहीं आए लेकिन कंप्लीट मतलब जितना चाहते थे हम कि काफ़ी मतलब संख्या में आए फौजी और इसका लाभ उठाए और हमें मतलब उसका मौका मिले उनकी सेवा का, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो अभी भी इनडायरेक्टली वो अगर यदि भी कोई तीनों सेना का फौजी आता है तो हमारी तरफ से वो अभी भी स्वागत है सर। हाँ एक्चुअली सर, राजाराम ढाबे में मतलब चाइनीज़ फूड है, उनका मार्केट लगभग 40% ऑफ मतलब यहाँ के जीपी के बराबर होता था, तो वो कम्प्लीटली बंद ही कर दिया है, क्लोज कर दिया है। आगे भी चालू रहे? आगे बिल्कुल जो है अभी जो करा गया है वो हमेशा के लिए स्थायी रूप से किया गया है, मतलब आगे हमारा करना तो महामारी को देखते हुए ये सब कुछ बंद किया। कोरोना महामारी तो ठीक है सर, ये तो ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ में आगे मतलब भविष्य में हमेशा के लिए चाइनीज़ का बहिष्कारी कर दिया गया, और हमारा करना तो बहुत दूर की बात है, हम अन्य किसी और को करने के लिए इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसको मैसेज देना चाहिए कि आप भी ना करें। जी मेरा नाम जैकी शंतलोया सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।